तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल बना लिया है, अब आपसे वेरीफाई करते नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा कि कैसे आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना है। और दोस्तों, यदि आपको पता नहीं तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब चैनल वेरीफाई करने के क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ यदि आपको पता नहीं है, और यदि आपको पता है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा सा वीडियो। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात ये है कि यदि आप लोग अपने चैनल को वेरीफाई कर लेते हैं तो फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग अपने वीडियोस पर थंबनेल लगा सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स ये चीज़ होती है आपकी थंबनेल। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग अपने वीडियोज़ पर थंबनेल लगा सकते हैं एक बार चैनल को वेरीफाई करने के बाद। ठीक है ना, यदि आपका चैनल वेरीफाई नहीं है और आप 15 मिनट से अधिक लेंथ का वीडियो डालना चाहते हैं अपने चैनल पर, तो आप नहीं डाल पाएंगे यदि आपका चैनल वेरीफाई नहीं है। ठीक है ना, तो यदि आप लोग अपने चैनल को वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको कितनी भी लंबी वीडियो डालो, आप फिर आप लोग मूवी भी डाल सकते हैं, मूवी जितना लंबा वीडियो डाल सकते हैं अपने चैनल पर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स अब आपको अपने चैनल को वेरीफाई कैसे करना है, तो ये सब कुछ जानने से पहले यदि आप तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको टेक रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो आप मोबाइल से भी वेरीफाई कर सकते हैं इसी तरीके से, और लैपटॉप से भी वेरीफाई कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर, और अभी आपको करना क्या है, बिल्कुल वीडियो को गौर से देखना बिना स्किप किए। तो सिंपली आपको आ जाना है अपने यूट्यूब स्टूडियो पर, और यूट्यूब स्टूडियो पर आने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा ये वीडियो है, तो इस वीडियो में अभी थंबनेल नहीं लगा। ठीक है ना, अभी आप लोग देख पाएंगे, और इस वीडियो में थंबनेल में लगा के फिर मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि थंबनेल अब लग चुका और आपको क्या क्या करना। ठीक है ना, तो ये ऊपर पेंसिल का निशान है, इस पर टच करके, और आप लोग देख सकते हैं दोबारा से पेंसिल आई है, तो इस पेंसिल में आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ जो थंबनेल का ऑप्शन है, 3 थंबनेल दोस्तों ऑटोमेटिक है, यानी कि यूट्यूब की तरफ से और सेटिंग होती है तो 3 थंबनेल आपके ऑटोमेटिक बन जाते हैं, लेकिन जो चौथा थंबनेल होता है इसे आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है ना, यदि आप लोग चैनल को वेरीफाई नहीं करते तो सेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कस्टम थंबनेल का ऑप्शन है, इसमें अभी ब्लर है, मतलब कि ब्लैक टाइप में है, अभी थंबनेल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आपको वेरीफाई कैसे करना है, तो फिलहाल दोस्तों मैं आ जाता हूँ बैक। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउज़र पर लॉगिन करना है, और इसे सबसे पहले डेस्कटॉप साइट पर खोलना है, और डेस्कटॉप साइट पर खोलने के बाद आपको सर्च करना है youtube.com। ओके, और youtube.com सर्च करने के बाद यहाँ जो ऊपर कोने में लोगो दिख रहा है, आपको उस लोगो पर जाना है, और लोगो पर जाने के बाद योर चैनल पर जाना है। ओके, और योर चैनल पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कस्टमाइज चैनल पर जाना है, और कस्टमाइज चैनल पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलता है, और खुल रहा है अभी दोस्तों। तो जैसे ये खुल जाता है, तो यहाँ अभी मेरा न्यू चैनल है, तो यहाँ पर आपको डन कर देना है, और फिर दोस्तों आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो ये वीडियो का ऑप्शन है तो आपको इस पर आना है। ठीक है ना, और ये है वीडियो का ऑप्शन, और इस पर आना है आपको। तो जब आप इस पर एक बार टैप करेंगे तो यहाँ पेंसिल का ऑप्शन आ जाता है, फिर आपको पेंसिल के ऑप्शन पर जाना है, और एडिट करने के लिए नीचे जाना है। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे थंबनेल का ऑप्शन है। ओके, और थंबनेल के ऑप्शन पर दोस्तों यहाँ पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि आपका जो है चैनल वेरीफाई नहीं, तो आपको वेरीफाई करना है। ठीक है ना, तो यहीं से आपको डायरेक्ट चला जाना है वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है वेरीफाई का, आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से इस वेरीफाई के ऑप्शन पर आपको जाना है, और जो है मैं यहाँ दोबारा से क्लिक करता हूँ, और ये वेरीफाई का ऑप्शन है दोस्तों, बार बार कट जा रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और एक बार फिर से मैं जाऊंगा इसी वेरीफाई के ऑप्शन पर, और यहाँ आपको इस तरह से पेज देखने को मिलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट मी द वेरीफिकेशन कोड। ओके, और सिंपली नीचे आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, तो मेरी इंडिया है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मैं यहाँ सिंपली डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, ब्लर कर रखा है। ठीक है ना, और गेट कोड पर ओके कर देना है आपको। तो जैसे गेट कोड पर ओके करते हैं तो इस तरह से पेज आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 6 अंकों का कोड भेजा गया है। ठीक है ना, उस मोबाइल नंबर पर जो अभी आपने डाला है, तो आपको उस मोबाइल नंबर में जाना है, यानी कि मैसेज के बॉक्स में जाना है और वहाँ पर देखना है। तो मैं भी आपको चल करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कि मेरा कोड आया है कि नहीं आया है।
चलिए मैं चलता हूँ। और इसे आपको डायरेक्ट काटना है, जी हाँ दोस्तों, बैक नहीं करना है, इस पेज को डायरेक्ट काटना है और मैसेज वाले बॉक्स में आना है, ठीक है। यहाँ देखो मैंने, यहाँ मेरा 6 का कोड आया हुआ है, ओके, तो 6387, तो इस कोड को आपको याद करना है और वहीं पर वापस जाके डालना है। देखिए तो मैं वहाँ पर रिटर्न आता हूँ और यहाँ पर उसी कोड को डालता हूँ जो मेरे मोबाइल नंबर में आया हुआ है। और दोस्तों इसे डालने के बाद एक बार फिर से आपको चेक कर लेना है ताकि दोस्तों प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ और चेक करने के बाद फिर से वहीं पर रिटर्न जाऊँगा और मैच करके दोनों अंकों को, यानी कि सभी अंकों को सही तरह से, और यहाँ सबमिट आपको कर देना है, ठीक है ना। और सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको कांग्रेचुलेसन, योर फ़ोन नंबर हैज़ नाउ बीन वेरीफाइड, ओके, तो अब आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली थोड़ा सा बैक आना है और बैक आने के बाद मैं उसी ट्रैप पर जाता हूँ जहाँ से मुझे थंबनेल लगाना था क्रोम ब्राउज़र से, ठीक है ना। तो मैं वहीं पर जाता हूँ, ओके, और यहाँ से कहाँ गया मेरा वाइट स्टूडियो, ये वाइट स्टूडियो, तो यहीं पर दोस्तों मैं वापस आ गया रिटर्न। अब एक बार मेरा जो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है तो अब यहाँ पर थंबनेल लग जाएगा, आपको इसी थंबनेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ थंबनेल के ऑप्शन पर, ओके, और अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मेरी फ़ोटो वगैरह है तो आ चुकी हैं। और यहाँ से मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगा जो कि वीडियो का थंबनेल है, तो वो सेलेक्ट कर लूँगा और ये मुझे सेलेक्ट करना है ये वाला, ठीक है ना। तो इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर से और आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर वीडियो में थंबनेल लग चुका है, ठीक है ना। और यहाँ से आप सीधे ऊपर जो सेव बटन है तो आपको यहाँ से सेव कर देना है, और मैं सेव कर देता हूँ इसे जल्दी से, ओके। तो मैंने दोस्तों सेव कर दिया है और अभी मैं जाऊँगा यूट्यूब स्टूडियो पर, तो वहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि थंबनेल लगा कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं जाता हूँ डायरेक्ट यूट्यूब स्टूडियो पर और आप लोग देख सकते हैं जो मेरा वीडियो था उस वीडियो में थंबनेल लग चुका है, ओके। और अब आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, सिंपली आपको टच करना है इस पर और पेंसिल के ऑप्शन पर आना है, ये ऊपर है पेंसिल वाली आइकन, ठीक है ना। तो इस पर आपको ओके करना है और यहाँ से आप अपने थंबनेल को चेंज कर सकते हैं। तो मैं भी आपको थंबनेल चेंज करके भी दिखाता हूँ, ओके। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं और दोबारा से इस पेंसिल के ऑप्शन पर जाऊँगा और दोबारा से टैप करूँगा पेंसिल में, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज का ऑप्शन आ चुका है। तो आप चेंज से आप कोई भी थंबनेल चेंज कर सकते हैं, और फिलहाल मुझे चेंज करना नहीं है, मेरा जो वीडियो का थंबनेल लग चुका तो लग चुका, और ज़रूरत पड़ी तो मैं चेंज कर लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे चेंज नहीं करनी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका चैनल वेरीफाई होता है और ऐसे ही आप थंबनेल लगा सकते हैं। और अब दोस्तों आपके चैनल पर 15 मिनट से अधिक का वीडियो भी अपलोड हो जाए।